नमस्कार मित्रों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ सूखा मीट। आपको लगा है सूखा मीट क्या विचित्र मीट है। तो ये मीट उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, जैसे आपने बकरे या भेड़ को काट दिया और फिर उसको आपने उसके मीट को सुखा दिया। सुखाने के बाद आप उस मीट की ऐसे इस टाइप से आपने ये माला बना दी है। ठीक है, ये मटन के टुकड़े हैं, इनको सुखाया गया है और सुखा करके इनको प्रिजर्व रखा गया है। बस जस्ट ये इसको घरों में ही लटका देते हैं जिससे कि इनमें कीड़े ना पड़े। और उसके बाद ये जो मीट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई महीनों बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। ये मेनली ये जो मीट आया है मेरे लिए ये मुंशियारी से आया है। तो अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे होंगे। मीट है, प्याज है, साथ में लहसुन, अदरक, टमाटर, सरसों का तेल, जीरा, धनिया, गरम मसाला, मिर्च और साथ में हल्दी। चलिए शुरू करते हैं मीट बनाना। तो सबसे पहले हमने ये माला में से मीट के टुकड़ों को अलग कर दिया है। अब ये गुनगुने पानी में ये मीट के टुकड़े डाले जाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जिससे कि ये मीट के टुकड़े थोड़ा कोमल या सॉफ्ट हो जाएं। जब तक सूखा मीट हमारा थोड़ा सॉफ्ट होता है तब तक हम बाकी चीजें कर लेते हैं। जैसे कि हमने गैस जला दी है, कुकर रख दिया गया है। अब डालेंगे हम सरसों का तेल, फिर ऊपर से डालेंगे जीरा, अदरक, लहसुन और प्याज। अब मैंने इसके ऊपर जीरा, लहसुन, प्याज, अदरक सभी डाल दिया है और अच्छी तरीके से भून लिया गया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर डाल दिया गया है और अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको प्रिपेयर होने देंगे सिम आंच में, जिससे ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाएगी। ये ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, और कुछ देर तक इसको पकाएंगे। ये सारे मसाले डाल के ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, साथ में सूखा मीट भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें सूखे मीट का पानी हटा करके ये मीट को डालेंगे। मीट को जो हमने भिगाया था उससे हमने पानी हटा दिया है और इस तरीके से ये हमारे पास सिर्फ। अब ये सभी मटन के टुकड़ों को हमने इसके ऊपर वो सूखा मीट डाल दिया है और इसको बहुत 5 या 10 मिनट हमने इसको चलाते रहा, खुले में ही पकाया है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसमें सीटी लगाने के लिए इसको बंद कर देंगे। तकरीबन हमें 4 से 5 सीटी लगानी पड़ेगी, फिर देखते हैं ये प्रिपेयर हो जाएगा। पानी भी इसमें आप अपने जैसी आपको ग्रेवी बनानी है, जैसा आपको चावल के संग खाना है तो चावल के संग थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, रोटी के संग खाना है तो थोड़ा कम पानी चाहिए, तो कम पानी डालेंगे। फिर हमने इसमें नमक भी डाल दिया है और इसको हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे 4-5 सीटी के लिए। हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अब टॉपिंग करेंगे। इसमें टॉपिंग की जाएगी आपका धनिया पत्ता की, बहुत बढ़िया ढंग से टॉपिंग कर दी हमने और साथ में इसको थोड़ा अब सर्व किया जाएगा। और ये हमने इसमें सर्विंग कर दी है चावल के संग। अब देखते हैं इसका स्वाद लेते हैं कि स्वाद क्या है। ये हमने सर्विंग कर दी है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए ये सर्विंग बहुत ही लाजवाब बना है, वाह। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आगे ऐसी वीडियो आगे बनाता रहूं। धन्यवाद। अब खा तो रहे लेकिन चम्मच से खाने का उतना मजा नहीं है जो मजा हाथ से खाने का। मैं चम्मच को साइड कर देता हूँ और अब हाथ से खाता हूँ। हाथ से खाने का जो मजा है वो मजा तो और कहीं नहीं है। ठीक है,
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित कीजिए कि आगे मैं ऐसी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।